प्रयागराज में आज सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के गेट के बाहर बड़ी संख्या में PCS और RO AR के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां तथा बैनर लेकर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि दिसंबर में होने वाली PCS और RO AR की परीक्षाएं एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराई जाएं, ताकि पेपर लीक की संभावना को खत्म किया जा सके। प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें अपने साथ रखी और दो शिफ्ट एक धोखा है, बचा लो भविष्य अभी मौका है और वन डे वन शिफ्ट जैसे नारे लगाए। मनीष वर्मा एक प्रदर्शनकारी ने कहा, आयोग को PCS और RO AR की परीक्षा एक ही शिफ्ट में करनी चाहिए, इससे पेपर लीक का खतरा नहीं रहेगा। धरने में शामिल अभ्यर्थी तिरंगा लेकर बैठ गए और मांग कर रहे थे कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव उनके बीच आएं और उनकी बात को सुने। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपने की योजना बनाई है। प्रदर्शन के चलते पुलिस फोर्स को तैनात किया गया ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके।